हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि 18 दिसंबर को IPMET का ऑफिशियल पेपर आ गया 2020 का, है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था तो पूरे अपने वीडियो कोर्स की याद आ गई। ठीक है, खैर यहाँ पे अभी मैं पूरा डिटेल में बात नहीं करूँगा, नहीं तो आपको लगेगा मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस हम लेना चालू करेंगे। कुछ कुछ दिनों के गैप में मैं वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि अभी काफ़ी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू के 3 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बताएंगे। काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन रहेंगे, ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। ठीक है, और जिन लोगों को पूरा पेपर डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके आप IPMET 2020 का ऑफिशियल पेपर पूरा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को भी अच्छा ब्रांड बनाइए। ठीक है, आप ही के हाथ में सब। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ कुछ तरीके या चीज़ें भी बताते रहूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि आपसे कहाँ कमी हो रही है या आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते जाऊँगा तरीके भी और कहाँ कहाँ ये आप पढ़ सकते हो। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम का है ना। आपने जब भी नंबर सिस्टम की शुरुआत की होगी, शुरुआत में आपने इसी टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, उम्मीद है। बेसिक फॉर्मूला है उसी पे, देखो IPM 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे था, सिंपल है। डिविडेंड पूछा है आपसे, डिवाइजर दिया हुआ है, क्वेशेंट, रिमाइंडर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो डिविडेंड क्या होता है? क्वेशेंट इंटू डिवाइजर, है ना, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन और रिमाइंडर, यानी क्यू इंटू आर दिया हुआ है आपको 24। और कुछ मैं तरीके बताऊंगा वो भी ध्यान रखना, इससे आपकी स्पीड बहुत तेज होगी। ठीक है, और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, सब क्वेश्चन सही करना यही मोटिव होना चाहिए। और इनका समीशन क्यू प्लस आर क्या है? 10। अब यहीं पर 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन सॉल्व जिन लोगों ने करके किया होगा उन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया होगा, कोई मतलब नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। 6 4 24 होता है और 6 + 4 क्या होता है? 10। यानी 6 और 4 दो नंबर्स होंगे। अब ये क्वाड्रेटिक वाड्रेटिक बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना, 6 और 4 लिख लेना। अब आगे ये देख लेंगे कि इनमें से 6 क्या है, 4 क्या है। ठीक है, अब डिवाइजर दिया हुआ है 5, है ना, डिवाइजर क्या दिया हुआ है? 5। तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर जो होगा वो 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो 6 और 4 में आप रिमाइंडर को क्या ले लो? 4। क्वेश्चन को क्या ले लो? 6। खत्म। डिवाइजर क्या दिया हुआ? 5। डिविडेंड पूछा है तो डिवाइजर क्या था? 5 इंटू क्यू 6 + 4, इतना सा था, 34 आंसर। क्रॉस चेक करके देखना है तो देख लो, है ना, डिवाइजर 5 है, 5 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन 6 आएगा, रिमाइंडर में 4 आएगा, 6 और 4 आ गया, 6 4 = 24 और 6 + 4 = 10। खत्म। इतनी देर का क्वेश्चन था, विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, था ना आसान। इस तरीके से कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो और अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो गए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। लास्ट ईयर IPMET 2020 की मैं बता रहा हूँ, 12 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स का रिटर्न में सिलेक्शन हुआ था हमारे कोर्सेज से, और ये तो फाइनल सिलेक्शन की मैं बता रहा हूँ, फाइनल मतलब रिटर्न में जो फाइनली वेट PI के लिए कन्वर्ट हुए थे। और हम लोग तो प्रोवाइड सिर्फ मैथ्स और LRTI का वीडियो कोर्स करते हैं, और अगर सिर्फ मैथ्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके कट ऑफ क्लियर हुए थे, लेकिन अब ऑल इंडिया लेवल पे तो अब उनको सभी बताना पड़ता है कि ओवरऑल किसका रिटर्न क्लियर हुआ, तो वो 12 थे। लेकिन कोर्स हम लोग सिर्फ मैथ्स का ही प्रोवाइड करते हैं और LRTI का, सोचो तो मैथ्स में कितने लोगों का क्वालिफाई हुआ होगा। अगला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम -43 से एक सर्कल दिया हुआ है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, सर्कल की ये वाली इक्वेशन तो सभी जानते होंगे, है ना, सेंटर इसका ये 0 0 होगा, ये एक आपने सर्कल बना लिया। ठीक है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा उसमें, वो मत करना। रेडियस क्या हो जाएगी? 1। देखो जब भी क्वेश्चन आ जाए, पहले जनरल चीज याद रखो, अगर एक पॉइंट और एक सर्कल के बीच में आपसे मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ लें, कुछ नहीं करना, पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना, है ना। अगर दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछी हुई है ना, तो आप क्या करोगे, ये तो रेडियस होगी और ये डिस्टेंस आपने डी निकाल ली, तो मिनिमम के लिए आप क्या करना, डी माइनस आर कर देना,
मिनिमम डिस्टेंस सर्कल और पॉइंट के बीच में, और अगर यही मैक्सिमम पूछ ले वो, तो वहां पे आप क्या कर देना, ये पूरा डी तो आप निकाल ही चुके हो प्लस आर कर देना, ठीक है, कलर चेंज करके, क्योंकि हो सकता है अगले साल मैक्सिमम पूछ ले, तो मैक्सिमम होगी तो ये हो जाएगी, तो ये आर आपको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल, ये चीज याद रखना, बेसिक कंसेप्ट था। पॉइंट माइनस फोर कॉमा थ्री इधर कहीं होगा, है ना, माइनस फोर कॉमा थ्री। देखो डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो। अब ये रटा होना चाहिए, थ्री और फोर का क्या होता है फाइव, ये डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी फाइव, क्लियर, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी फाइव। रेडियस क्या है वन, शॉर्टेस्ट पूछा था, तो फाइव माइनस वन यानी फोर, आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पूछी थी फोर, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आईपी मेट में हर साल आ रहे हैं क्या, है ना, सिंपल। नेक्स्ट ईयर अगर मैक्सिमम पूछ लेता, अगर इसी में मैक्सिमम पूछता तो हम फाइव प्लस वन बोल देते सिक्स, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखो आईपी मेट ईजी होता है कि टफ, उस समय तो काफ़ी यानी जब ऑफिशियल पेपर नहीं आता था तो सब बोल रहे थे काफ़ी टफ था, ये था वो था, लेकिन अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट्स में वीडियो कोर्स लिए हुए हैं ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, वैल्यूज शायद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हैं लेकिन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। और मैंने हमेशा कहा है लॉग का क्वेश्चन चाहे वो किसी भी एग्जाम में आ जाए, कैट हो, आईपी मैट हो, जेट हो, हमेशा सिंपल ही आता है, ठीक है। पहले ये इनफाइनाइट जीपी दिख रही है, इनफाइनाइट जीपी के समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, ए क्या है वन बाय फोर, आर क्या है वन बाय टू, वन माइनस वन बाय टू, वन बाय फोर अपॉन वन बाय टू, फाइनली वन बाय टू आ गया, ये ब्रैकेट का काम आपका खत्म, ठीक है। अच्छा पॉइंट जीरो फोर को क्या लिख सकते हो, फोर बाय हंड्रेड, फोर बाय हंड्रेड को क्या लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वन बाय ट्वेंटी फाइव, वन बाय ट्वेंटी फाइव को क्या लिख सकते हो, फाइव की पावर माइनस टू, ठीक, फाइव की पावर माइनस टू लिख लो। अच्छा लॉग फॉर्मूले भी लिखते हैं ना, लॉग ए की पावर एन बी होता है, बेस की अगर पावर होती है वो अपॉन में बाहर आती है, इसको मैं इससे लिख सकता हूँ वन बाय एन लॉग बेस ए बी, ठीक। इधर फाइव की पावर में क्या है वन बाय टू, बाहर क्या आएगा टू, है ना, अब इसको क्या लिख सकता हूँ लॉग बेस में फाइव, और इधर मेरा सॉल्व करके क्या आया था वन बाय टू, टू की पावर माइनस वन लिख दो, ठीक। इतना समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आप ओरल तो नहीं लेकिन ये विद इन 30 सेकेंड का था, अगर सोचो मैं इतने फॉर्मूले ना बताऊं तो कितनी देर पहले ये सॉल्व हो चुका होता। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव की पावर माइनस फोर, ठीक है, लॉग, समझ में, कई लोगों का तो अब तक आंसर भी आ गया होगा, बेस फाइव टू टू द पावर माइनस वन, अब लॉग के बाहर जो होता है उसको पावर में ले जाएं, तो ये माइनस फोर को यहाँ से हटा दो, ये माइनस फोर इधर चले गया। अब एक फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस टू टू द पावर फोर, टू टू द पावर फोर क्या होता है सिक्सटीन, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटीन, ठीक, आसान था। अब देखो मैं कितने क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ पहले भी, ठीक है, और कितने सिंपल थे, आगे और भी क्वेश्चन हैं और सब यानी सिमिलर ही मिलेंगे आपको पढ़े हुए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही मैं आगे के सॉल्यूशंस भी आपको इजी तरीके से बताते रहूँगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा अब तक, नहीं किया है तो जल्दी कर दो, आपकी जिम्मेदारी है इसको भी ब्रांड बनाने की, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।